प्रदेश के ग्रामीण व पिछड़ा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब पेयजल की समस्या नहीं सताएगी। अब ब्रिक्स योजना के तहत हिमाचल के पिछड़े ग्रामीण एरिया के हर घर तक पानी की सप्लाई पहुंचाई जाएगी। योजना के तहत 20,600 बस्तियों के करीब 10 लाख से अधिक लोगों को पेयजल से जोड़ा जाएगा। योजना में भारत सरकार के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पानी की किल्लत वाले गाँवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना में न्यू डेवलपमेंट बैंक फंड मुहैया करवाया जाएगा। ब्रिक्स के 5 देश इस पर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में पेयजल का कार्य किया जाएगा और लगभग 3,200 करोड़ रुपए पेयजल पर व्यय किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 चरणों में काम आवंटित कर दिया है। पहले चरण में कार्यों को 2 साल व अधिकतम 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एडीबी की जारी गाइडलाइन में कार्य होने के साथ साथ सरकार को फंड मुहैया करवाए जाएंगे। पहले चरण में 100 करोड़ यानी कि लगभग 680 करोड़ की राशि 30% कार्य पूरा करने पर प्रदेश सरकार को दी जाएगी। इस 30% कार्य में डीपीआर होने के साथ टेंडर भी आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद ही एनडीपी एमओयू साइन करेगा। इसमें सबसे पहले सभी स्कीमों के पानी को ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस हाईटेक सिस्टम से मटमैला पानी लिफ्ट नहीं होगा। इसके बाद इस पानी को स्वच्छ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पेयजल योजना से उठाया गया पानी ट्रीट होकर मुख्य वाटर टैंक में पहुंचेगा। इसके बाद पानी को सबलेट कर जनता तक पहुंचाया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता उत्तरी क्षेत्र राजेश बख्शी ने बताया कि ब्रिक्स योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जाएगा। इसके तहत हर घर तक पेयजल सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले चरण का काम 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो जितने भी पुरानी हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उसको बड़े फेज्ड मैनर में ऑगमेंटेशन की जाएगी और उसकी अपग्रेडेशन जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है उसकी की जाएगी। इसके तहत सारी जो पुरानी स्कीमें हैं उसको उसकी पाइपें चेंज की जाएंगी, नए टैंक्स बनाए जाएंगे और इसके लिए 5 जो कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स है इसमें 5 कंट्रीज ने इकट्ठा होकर एक नया एक बैंक डेवलप किया है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बोलते हैं। उसके तहत जो है स्कीम की फंडिंग की जाएगी और फेज्ड मैनर में ये सारी जो स्कीमें बनाई जाएंगी। अगर धर्मशाला की बात करें तो यहां भी लगभग एक स्कीम बनाई जा रही है फर्स्ट फेज में, जिसका लगभग अनुमानित राशि 15 करोड़ रहने की उम्मीद है और जिसमें कुछ गांव जो जहां पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है वो चिन्हित किए गए हैं, उसके लिए स्कीम बनाई जा रही है। और उसके बाद जैसे ये बन जाएगी, फंडिंग होगी, इसकी एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद सेकंड फेज में सेकंड प्रायोरिटाइज करके उन गांवों के लिए अलग से स्कीमें बनाई जाएगी।